तो उनके साथ में पूरा सरकार है और उनको न्याय दिलाएंगे। पुलिस वाले ने अपना काम अच्छी तरह से करना चाहिए। एसपी पालघर ये जो डायरेक्ट ऑफिसर आए हुए हैं, इन्हें ये जिला छोड़ के जाना पड़ेगा। ओके, लेकिन हमारे पास जनता है, जिस दिन जनता रास्ते पे उतर जाएगी तब इनको पता चलेगा कि क्या इसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। जैसे कि तो क्या न्याय के बदले में धुतकार मिलती है करके साधारण जनता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, गाली गलौज करना। नाला सोपारा की वो रात जिसको काली रात कहे तो कम नहीं होगा। 8 जनवरी 2020, एक ऐसी रात जिसमें दो गुटों की लड़ाई में आम आदमी काफी डर गए। ये बात धानीबाग में तब हुई जब रात हो चुकी थी और 8 बजे के आसपास का समय हो चुका था। उस समय अराजकता भरे लोग एकाएक उस धानीबाग में घुस जाते हैं। उनके हाथ में अलग अलग हथियार होते हैं, हिंसा फैलाने के लिए ऐसे हथियार काफी हैं। उस बीच में एक मंदिर, वो भी टारगेट में आ गया। उस मंदिर में उपस्थित शिव कुमार पांडे ने मौकाए वारदात की जिस प्रकार से चित्र का वर्णन किया वो वाकई में डरावना था। शिव कुमार पांडे का तो ये भी कहना है कि अगर वो समय पर मंदिर में छिप न जाते तो वहाँ पर उनकी हत्या भी हो जाती, जिस प्रकार से उन्होंने मामला और माहौल को देखा था। लेकिन गंभीरता को समझते हुए शिव कुमार पांडे ने वाली पुलिस स्टेशन में पहुंचे और वाली पुलिस स्टेशन में एसपी साहब वहां पर उपस्थित हो चुके थे। एसपी साहब से अपनी बात बताई। उस समय प्रकार से एसपी साहब ने, यानी पालघर एसपी साहब गौरव सिंह ने जिस प्रकार से बर्ताव, सुनिए शिव कुमार पांडे इस पर क्या कह रहे हैं। फिर हमारा कसूर क्या था? हम तो पीड़ित थे और हम एसपी साहब के पास न्याय मांगने के लिए गए थे। तो क्या न्याय के बदले में धुतकार मिलती है? न्याय के बदले में धुतकार देना उन्हें शोभा देता है? एक इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी हो करके साधारण जनता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, गाली गलौज करना, पढ़ने वाले छात्रों को गालियां देना, क्या ये एसपी साहब को शोभा देता है? झूठे तमाम तरीके के FIR किए जा रहे हैं। हमें खुद को अंदेशा था जब हमने देखा कि एसपी साहब हमारी फरियाद ही सुनने को तैयार नहीं है। सुना आपने, शिव कुमार पांडे का साफ कहना है कि उनका व्यवहार संवैधानिक नहीं था, असंवैधानिक था। और इसी असंवैधानिक व्यवहार के चलते शिव कुमार पांडे पहुंच गए अनशन के लिए। वाली पुलिस के सामने लगातार अनशन पर बैठे शिव कुमार पांडे उनकी हालत गंभीर हो गई, उनकी हालत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया, उनके लोगों पर ही मुकदमा दर्ज कराया गया। वारे कानून और वारे कानून व्यवस्था, आप शिकायत लेके जाएं, आप ही पर मुकदमा दर्ज हो जाए, यह कानून व्यवस्था। और इन्हीं शिव कुमार पांडे के साथी दलों पर भी मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आम आदमी पर इस प्रकार के मुकदमे दर्ज होंगे तो कहाँ से सुरक्षित होगा आम आदमी, और कहाँ से आम आदमी अपनी बात रख पाएगा। खैर, जिस प्रकार से लगातार आमरण अनशन ये अनशन चल रहा था, लगातार शिव कुमार पांडे की हालत खराब हो गई। इसे देखते हुए स्थानीय बड़े संगठनों ने जैसे आखिरी सेना के पालघर जिला के प्रमुख जनार्दन पाटिल उर्फ चन्या मामा ने जब इस मामले की संगीनता गंभीरता को देखा तो उन्होंने मुख्यमंत्री से पूरे विषय को भेजाने की बात कही। खासदार जो यहाँ के वर्तमान है राजेंद्र गावित, उनसे भी बात की। उन्होंने इनको प्रतिनिधि बनाकर यहाँ पर भेजा, इस अनशन को तोड़ने की बात कही। सुनिए जनार्दन पाटिल ने इस विषय पर क्या कहा। देखिए, मुझे कल ही मालूम हो गया, कल धानीबाग से कई लोग आए थे मेरे ऑफिस में। मैंने तुरंत खासदार साहब को फ़ोन किया। खासदार साहब है प्रोग्राम में, 3 दिन से वो आदिवासी सम्मेलन है, वो प्रोग्राम में है। और मैंने मिलिंद नार्वेकर साहब को मैसेज किया है और उन्होंने बोला है कि आप हमारे प्रतिनिधि बन के आप वहाँ जाइए, वहाँ जाके उनको उनसे पूरा मालूम करिए और उनको अनशन से उठाओ, क्योंकि किसी इंसान के ज़िंदगी का सवाल है और हमारा काम है। अगर आज इनके ऊपर अन्याय हो रहा है तो उनके साथ में पूरा सरकार है और उनको न्याय दिलाएंगे। पुलिस वाले ने अपना काम अच्छी तरह से करना चाहिए। किसी की तरफ से, एक तरफ से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। दोनों पार्टी का किसका गलती क्या है वो देख के कार्रवाई करना चाहिए। इस पूरे मामले में पहुंचे थे हर जिले में शिवसेना के जिला सचिव मिलिंद खालोनकर, वो भी पहुंचे। उस पूरे विषय पर उन्होंने भी अपनी बात रखी। ये ऊपर ही नहीं है, बहुत लोगों के ऊपर जो गुने गलत तरीके से ये पुलिस स्टेशन में दाखिल हो रहा है, ये मशीनरी बन गया है लोगों के ऊपर गलत गुने दाखिल करने का, और उसके हमारे पास प्रूफ है। हम ये सब बात रखने वाले हैं और वापिस हमारी मांग ये रहेंगी, अगर SP चले जाओ रहेंगे, अगर SP चले नहीं जाते खुद होके तो हम प्रशासन के साथ बात रखेंगे, मुख्यमंत्री साहब के साथ बात रखेंगे, गृह मंत्री साहब के साथ बात रखेंगे, शिंदे
साहब के साथ बात रखेंगे। SPI पालगढ़ के, इन्हें ये जिला छोड़ के जाना पड़ेगा। इस पर प्रहार संगठन के जिला प्रमुख हितेश जादव ने भी उनका सपोर्ट करते हुए, आप कहते समर्थन करते हुए, उन्होंने भी ये बात लिखी। क्या रहा मंदिर में जो पत्थर फेंक और ये सब हुआ है, ये बहुत गलत तरीके से हुआ है। इसकी पुलिस लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करके जो सही तरीके से ये है उन पे कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन अभी की मुझे जो न्यूज़ आ रही है, पुलिस सिर्फ क्या कर रही है और गलत गलत लोगों पे FIR दर्ज कर रही है, ये हम होने नहीं देंगे। FIR पेन आपके हाथ में, आप कागज़ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास जनता है। जिस दिन जनता रस्ते पे उतर जाएगी तब इनको पता चलेगा कि क्या इसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। जैसे कि अब इस पूरे मामले में जिस प्रकार से अनशन तो टूटा, अनशन को तोड़ने के लिए जिस प्रकार से जनार्दन पाटिल, मिलिन खानोलकर, प्रहार संगठन के जिला प्रमुख, वो भी सामने आए, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले से एक बात तो साफ है कि पुलिसिया कानून व्यवस्था पर सवालिया चलने लग गया। अब देखना यह होगा कि किस प्रकार से शिव कुमार पांडे अपने इस बात को आगे ले जाते हैं और घटक दल जो साथ में आए हैं समर्थन में, वो कितना इनका साथ देते हैं, किस प्रकार से कार्रवाई होती है पालघर SP पर। धन्यवाद। नाला सुपारा, एंटी करप्शन न्यूज़।